माँ भैरवी के जो कंसॉर्ट हैं वो भैरव है, गॉडेस ऑफ डेथ है, और आपको वो सबसे पहला साइन ये देंगे कि आपके स्वप्न में आएंगे। थोड़ा डरा देने वाला भी स्वरूप जो है वो माँ भैरवी का। पहले आपको माँ काली को साधना होगा और उससे भी पहले माँ दुर्गा को साधना होगा। तो माँ भैरवी की एनर्जी बहुत बहुत फियर्स है, वो आराम से आपको नींद बताएंगी। तो इन्होंने अपनी जो शक्तियां थी वो कंबाइन करके अर्धनारेश्वर के फॉर्म में उसका संहार किया था। नहीं, हमें माँ भैरवी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो आप उनकी फियर्स फॉर्म में ही पूजा करें, जो रात को आप करेंगे। सब 10 महाविद्या में आप पीरियड्स में पूजा कर सकते हैं। पांचवें दिन इनका हम जो है आह्वान कर सकते हैं। चेंज इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 महाविद्याओं में से पांचवी महाविद्या माँ भैरवी को लेकर एक खास पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड में माँ भैरवी का क्या महत्व है, किन बातों का खास ख्याल माँ भैरवी की पूजा के लिए रखना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे किस्से और कहानियां माँ भैरवी से जुड़ी हुई है जिनके रहस्य से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। और आज हमारे साथ हैं स्पिरिचुअल गुरु डॉक्टर मनमीत कुमार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनमीत। थैंक यू। सबसे पहले तो यही कि माँ भैरवी के रूप और स्वरूप को लेकर भी बहुत सारी बातें होती है, थोड़ा डरा देने वाला भी स्वरूप जो है वो माँ भैरवी का। और मॉडर्न वर्ल्ड में बात करें तो किस तरह से देखते हैं माँ भैरवी को? राजी, माँ भैरवी एक बहुत ही पावरफुल और फियर्स महाविद्या है। ये जो हमारी महाविद्या की सीरीज हैं उसमें मेरा यही प्रयत्न रहता है कि हम इन महाविद्याओं को एक आम आदमी तक बहुत ही सिंपल तरीके से पहुँचाएँ। माँ भैरवी के जो कॉन्सॉर्ट हैं वो भैरव हैं, और माँ भैरवी अपने में इतनी परिपूर्ण और संपूर्ण हैं कि वो गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं, गॉडेस ऑफ डेथ हैं। अब आज की डेट में डेथ और डिस्ट्रक्शन को अगर कोई सुने तो वो एकदम डर जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को कि डेथ और डिस्ट्रक्शन से डरने की जगह हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए। डेथ किसकी? डेथ हमारी ईगो की। डिस्ट्रक्शन किसकी? डिस्ट्रक्शन हमारे अहंकार की। पहले क्या होता था कि जब असुर होते थे और बहुत संग्राम होता था देवों और असुरों के बीच में, तो हर एक चीज़ को मारना या किसी पे विजय प्राप्त करना एक असुर पे होता था। लेकिन आज वो असुर क्या है? आज हम राहु के काल में जी रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि ये बिल्कुल गलत नहीं है कि हम सबके ऊपर एक असुर ही सवार है। जो हमारी प्रवृत्ति हो गई है कंपटीशन की, हेट्रेड की, रेप की, जेलेसी की, लस्ट की, ग्रीड की, किसी भी तरीके से अपना काम बनवाना, ये एक असुर प्रवृत्ति है। वो अपने भीतर जो एकदम पल रहा है, पनप रहा है। हाँ, जो हमारी डार्कनेस है वो एक असुर प्रवृत्ति है। तो जब हम माँ भैरवी के बारे में बात करते हैं, इन्होंने लॉर्ड भैरव के साथ अंधकासुर को मारा था, क्योंकि उसको ये वरदान था कि ना वो किसी स्त्री के हाथ से मर सकता है ना किसी पुरुष के हाथ से। तो इन्होंने अपनी जो शक्तियां थी वो कंबाइन करके अर्धनारेश्वर के फॉर्म में उसका संहार किया था। तो कभी कभी जब हम माँ भैरवी की बात करते हैं, हम बात करते हैं डेथ और डिस्ट्रक्शन की, इससे डरने की जगह हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे शरीर में हर चीज की डिस्ट्रक्शन कॉन्स्टेंटली हो नहीं रही। आप ये देखिए, 90 डेज के अंदर अंदर हमारी सारी लाइनिंग जो है बॉडी की वो चेंज हो जाती है। हमारी स्टमक की लाइनिंग चेंज हो जाती है, हमारे ब्रेन की लाइनिंग चेंज हो जाती है, हमारा ब्लड फिर से फ्रेश बनता है। तो जो डिस्ट्रक्शन है, जो लय है, जो एक साइकिल है डिस्ट्रक्शन का, वो तो ऑलरेडी सब जगह हो रहा है। तो हम डिस्ट्रक्शन को अलग से क्यों देखें? डिस्ट्रक्शन होगा तभी किसी नई अपॉर्चुनिटी का जन्म होगा। तो माँ भैरवी को अगर हमें समझना है 10 महाविद्या में, और जो मैं कोर्स कर रही हूँ, जो वर्कशॉप में करा रही हूँ, उसमें ऑलरेडी लोग जो हैं माँ भैरवी से जुड़े हुए हैं। तो कल किसी ने बोला कि माँ भैरवी प्रकट हुई, और अभी तो वो लोग अपने माइंड में देख पाते हैं, उनकी थर्ड आई खुलती है। और एक ने कहा कि मेरी पूरी बैक में दर्द हो रही है। बाद में उसने जब माँ भैरवी से पूछा तो पता चला कि उसकी बैक में जो
प्रॉब्लम थी, स्पाइन की प्रॉब्लम, अब वो दर्द से शुरू हुई है और इस लेडी ने संकल्प लिया है कि 42 डेज में ये दर्द के साथ साथ मेरी बैक रिन्यू हो जाए, पूरी नई उसके अंदर सेल्स आए। तो माँ भैरवी इस सृष्टि की अगर डिस्ट्रक्शन करती हैं तो वहीं से जो है नई चीज़ें आती। थोड़ा सा इसको बड़ा सिंपल से उसमें समझते हैं कि क्योंकि ये जो सवाल है ये अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि जो डर एक भय जो आता है हमें कि जब हम तंत्र और मंत्र काली विद्या से जोड़कर जब चीज़ों को देखते हैं तो फिर हमें ये लगता है कि कहीं कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई तो उसके जो प्रभाव है वो एकदम उलट हो जाएंगे, यानी कि आप विनाश की तरफ ना चले जाएं। और दूसरा, जिस डिस्ट्रक्शन और डेथ की हम बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और अगर डिटेल में समझें, क्योंकि इसी से भी एक डर, एक फियर जो मन में आता है कि नहीं, हमें माँ भैरवी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हमें पूजा करनी चाहिए। देखिए, माँ भैरवी का जो माँ भैरवी एक तांत्रिक रूप है, 10 महाविद्या एक उग्र और तांत्रिक रूप है। इनकी पूजा सिर्फ उन लोगों को करनी चाहिए जिनको इनके मंत्रोच्चारण और सारी पूजा विधि पता है। ये वाम मार्ग है, ये सिंपल पूजा नहीं है। माँ भैरवी की पूजा आपके घर में बैठ के आपके मंदिर में बहुत ही मुश्किल से होगी, क्योंकि एकांत चाहिए उसके लिए, उसके लिए एक तरह की जगह चाहिए। बहुत सारे लोग जो है माँ भैरवी की पूजा शमशान में करते हैं। तो माँ भैरवी के 12 रूप हैं और 12 रूप में से कुछ रूप हैं लिंग भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, काल भैरवी। तो हर एक माँ भैरवी का जो रूप है उसकी मंत्र अलग है, उसका उच्चारण अलग है, उसकी प्रक्रिया अलग है। तो एक आम आदमी को अगर करना है तो उसको ये दीक्षा लेनी पड़ेगी और इसको समझ के करना पड़ेगा। ये बहुत आसानी से की जाने वाली नहीं है। किसी भी महाविद्या की अगर आपको साधना करनी है तो पहले आपको माँ काली को साधना होगा और उससे भी पहले माँ दुर्गा को साधना होगा। तो जो बहुत सारे लोग ये वर्कशॉप करते हैं वो बहुत सालों से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, नवार्ण मंत्र कर रहे हैं, तो उनकी एक प्रेपरेशन है। तो क्या एक आम आदमी जिसने कभी भी कोई प्रेपरेशन ना की हो, मैं नहीं सलाह दूंगी कि वो सीधा माँ भैरवी के मंत्र से शुरू करें। लेकिन क्या मंत्र किए बिना हम इनको साध नहीं सकते? यहाँ आती है मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी और यहाँ आता है हमारा माइंड, हमारी आत्मा और हमें जो भगवान ने शक्ति दी है। तो आप मानते हैं कि शिव जी ने बोला था पार्वती जी को कि आगे जाके जो कलयुग आएगा इसमें एक आम आदमी के पास साधना करने के इतने सारा ना समय होगा, ना साधन होंगे, ना एकांत होगा, तो क्या किया जाए? वहां से आए चक्र में फंसा हुआ जी, वहां से आए शबरी मंत्र, वहां से आए छोटे मंत्र, और ये भगवान भी देख रहे हैं कि हम इस तरीके से जो है पूरी साधना हर कोई नहीं कर सकता। तो एक आम आदमी क्या करे? माँ भैरवी की पिक्चर ले और माँ भैरवी की पिक्चर को नवरात्रों के दौरान देखे, उनको साधे, उनका जो मंत्र है उससे साधे और ये बोले कि मेरी लाइफ में जो जिस चीज़ की भी डिस्ट्रक्शन आपको लगता है कि होनी है वो आराम से हो, वो चीज़ जाए ताकि कोई नई चीज़ आए। तो डिस्ट्रक्शन का ये मतलब है जो चीज़ आपकी लाइफ से निकलनी है। हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हों जो अच्छे ना हो लेकिन आपको पता ना, आपको लगता है कि वो अच्छे हैं लेकिन असल में होते नहीं, पीछे से वो बुरे हैं आपके लिए। जी, हो सकता है आपकी, आपने जो मांगा है माँ से उसके आड़े आपकी नौकरी आ रही, हो सकता है उस नौकरी का जाना जरूरी है, हो सकता है घर का जाना जरूरी है ताकि आप एक नया विला ले सकें, हो सकता है आपके जीवन से किसी आदत का जाना जरूरी है। तो डिस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज़ का जाना, किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय होना ताकि सामने से हमने जो मांगा है माँ से वो आए। तो आप पिक्चर देख सकते हैं और माँ की आंखों में, ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग तो देख नहीं पाते, 30 सेकेंड्स के ऊपर अगर आप माँ भैरवी की पिक्चर को देख सकते हैं नवार्ण मंत्र करते करते या माँ भैरवी का मंत्र करते करते, इसका मतलब माँ भैरवी की कृपा आप पर है और आपको वो सबसे पहला साइन ये देंगी कि आपके स्वप्न में आएंगी, आपके स्वप्न में आएंगी और उसके साथ एक ऐसी चीज दिखाएंगी जिसका आपकी जीवन से जाना जरूरी है। जब वो मेरे स्वप्न में आई थी बहुत साल पहले, जब मुझे पता भी नहीं था कि ये माँ भैरवी हैं, तो मुझे लगा था ये माँ काली हैं। जैसे आपने बोला कि माँ काली और माँ भैरवी का जो रूप है वो काफी सिमिलर है और मैं काफी डर गई थी क्योंकि उनका काफी फियर्स फॉर्म होता है। और उसके साथ उन्होंने मेरा ऑफिस दिखाया और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ दिया। अपने में ये एक
सडन बात हो सकती है, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता चला, लेकिन अब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये रिलेट अब आप कर पा रहे हैं, अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि उसका जाना जरूरी था ताकि मैं स्पिरिचुअलिटी की वर्ल्ड में आ सकती। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब किसी चीज का जाना जिसकी जरूरत आपकी जीवन में नहीं है। यानी कि सीधे से अगर समझे कि माँ भैरवी आपको उन चीजों से अवगत या एक तरह से परिचय कराती है जो आपकी लाइफ में सही नहीं है। आपके लिए हो सकती है कि वो बहुत ज्यादा प्रिय है आपके लिए वो चीजें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को खराब कर रही है, उस डिस्ट्रॉय की तरफ ले जा रही है जहां से आपको बचना चाहिए। और माँ भैरवी असल में उसको डिस्ट्रॉय करके आपको एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन राजी होता क्या है कि हम सब इतने अटैच्ड होते हैं चीजों के साथ कि हमें यूनिवर्स और माँ जब बार बार साइन दिखाती है, जैसे माँ अपने बच्चे को बोलती है इस चीज को छोड़ दो, बच्चा नहीं सुनता, इस चीज को छोड़ दो, हम नहीं सुनते, फिर वो एक उग्र फॉर्म में आके या तो डांट के या छीन के वो चीज को आपसे अलग करती है। तो माँ भैरवी की एनर्जी बहुत सडन है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है, और वो एकदम आपकी लाइफ से जो है चीज छीन लेंगी, फिर आपको एकदम शॉक लगेगा कि ये क्या हो गया। तो माँ भैरवी की एनर्जी बहुत बहुत फियर्स है, वो आराम से आपको नहीं बताएंगी। अगर वो आपके जीवन से कुछ निकाल रही है, इसका मतलब आपको 10 साल से संकेत आ रहे हैं लेकिन आप उसको छोड़ने समझ नहीं पा रहे। उनकी एनर्जी फियर्स है, सडन है, जो भी माँ भैरवी को साधता है उसको अपनी लाइफ में एकदम से कियोस का एहसास होता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 10 महाविद्या अपने में ही फियर्स हैं। अगर आप में वो एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ को सरेंडर कर दें माँ को और कहें कि जो आपने लेना है लीजिए, देना है दीजिए, मैं बिल्कुल प्रणाम करके यहीं खड़ा हूँ क्योंकि मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ, आप मेरी माँ हैं, तो इन नवरात्रों में, इन 9 दिनों में आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है। ये बड़ी अहम है। और चूंकि अब नवरात्रों की शुरुआत और हर साल जब जब नवरात्रे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि 9 दिनों में हम माँ के अलग अलग रूप और स्वरूप को पूजते हैं, तो यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि माँ भैरवी को किस दिन नवरात्रे के उनकी पूजा करनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा आपके लिए वो फलदायी हो, आपके जीवन में और ज़्यादा सुख समृद्धि और जो बुराई है वो आपके जीवन से हट सके। 5वां दिन होता है, ये 5वीं महाविद्या है, और 5वें दिन इनका हम जो है आह्वान कर सकते हैं। राजी, इनको कालरात्रि के साथ भी जोड़ा जाता है, ऐसा कहते हैं कि कालरात्रि माँ का भी एक फॉर्म है। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि काल मतलब समय और रात्रि मतलब अंधेरा, तो काल को भी दर्शाती हैं ये महाकाल। कई लोग कहते हैं कि माँ भैरवी का जो कंसॉर्ट है वो महाकाल है, है ना, जो दक्षिणेश्वरी शिव हैं वो इनका कंसॉर्ट है। तो उस समय वो काल की बात कर रही हैं, जिस चीज़ का समय आपके जीवन में ख़त्म हो गया, जिस इंसान का समय ख़त्म हो गया, तो समय को दर्शाती हैं। और रात्रि किसको दर्शाती है? हमारे इग्नोरेंस को, हमारे फियर्स को, हमारे डाउट्स को। अगर किसी के भी दिल में बहुत भय है तो माँ भैरवी की पूजा करें, वो अभय है। वैसे तो सब महाविद्या जो है अभय मुद्रा दिखाती हैं, इसका मतलब महाभय विनाशिनी, बड़े से बड़े डर को भी हटाने वाली। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आपको डर लगता है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है, आपके शत्रु इतने बढ़ गए हैं और उनका विनाश बहुत जरूरी है, आप किसी एब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं, तो माँ भैरवी को हमें जरूर पूछना है। जो रात्रि आपके जीवन में खत्म नहीं होने को आ रही है, जिसकी सुबह नहीं हो रही है, वो माँ भैरवी आपको एक मदर के रूप में प्रोटेक्ट करेंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनको एक माँ के रूप में, स्पेशली क्योंकि हम तंत्र में नहीं जा रहे, हम तांत्रिकों की तरह उनकी वो पूजा नहीं कर रहे कि हमें कोई सिद्धि मिले, हम उनकी मदर की तरह पूजा कर रहे हैं कि प्लीज मैं आपके पास मदद मांग रही हूँ, ये पीरियड मेरी लाइफ में खत्म नहीं हो रहा, प्लीज आप मेरी मदद करें और मुझे इस अंधकार से निकालें। तो इस चलते क्योंकि 7वें दिन कालरात्रि की पूजा होती है नवरात्रि में, तो हमें माँ भैरवी की पूजा 5th डे भी करनी चाहिए और 7th डे भी करनी चाहिए। यहाँ घर में पूजा करें माँ भैरवी की या घर में पूजा करने से अवॉइड करें?
अगर आप महाविद्यास की पूजा पहले से करते आ रहे हैं, अगर आप माँ काली के साधक हैं, अगर माँ काली की कृपा आप पर है तो आप घर में पूजा कर सकते हैं, लेकिन इनकी साधना नहीं कर सकते। पूजा आप आराम से कर सकते हैं, पूजा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी महाविद्यास हैं उनकी पूजा साउथ डायरेक्शन में उनका ऑल्टर होता है, और उनका जो ऑल्टर होता है वो बाकी मंदिर से अलग होता है। माँ कालरात्रि के लिए, माँ भैरवी के लिए आपको एक लाल कपड़े का आसन बिछाना है, उनको लाल गुड़हल के फूल चढ़ाने हैं, उनको आपको रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला पे उनका मंत्र करना है। और हमेशा जब भी आप किसी महाविद्या की पूजा करें, शहद ज़रूर रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कब उग्र फॉर्म में आ जाएंगी। हम साधना नहीं कर रहे, हम तंत्र नहीं कर रहे, हम केवल उनकी ब्लेसिंग्स के लिए पूजा कर रहे हैं। तो आप शहद रखें, गुड़हल का फूल रखें, गुड़ रखें, कोई मिठाई रख सकते हैं तो रखें, काली उड़द के दाल के वड़े बनाकर रखें, ज़रूर कुछ दक्षिणा दें। और जितनी भी देवी की पूजा होती है उसमें आप कंजकें ज़रूर बिठाएं और छोटे बच्चों को खाना ज़रूर खिलाएं। माँ इससे ज़्यादा खुश होती हैं राधा दैन बहुत सारे रिचुअल्स। और क्योंकि मैं हर पॉडकास्ट में ये कहती हूँ कि हर एक इंसान को ना दीक्षा मिल पाती है, ना वो उसको साध पाते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको थोड़ा सिंपलिस्टिक बनाएं, ऐसा बनाएं कि एक आम आदमी भी कर सके। और एक और बात, सब 10 महाविद्या में आप पीरियड्स में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ के ये उग्र फॉर्म होते हैं और माँ कामाख्या जो इनके ऊपर, इन 10 महाविद्याओं के ऊपर जो डेटी हैं वो है माँ कामाख्या। और माँ कामाख्या के टेंपल में भी जो है हम देवी की ही पूजा करते हैं और उनकी हम मेंसुरेशन में ही पूजा करते हैं। तो जब हम मतलब ये सवाल बहुत बार आता है कि नवरात्रि में ऐसा हो गया, या अगर हम 10 महाविद्या की पूजा करें तो क्या हम हाथ ना लगाएं, ऐसा नहीं है। और माँ भैरवी यही कहती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी इंसान में, आदमी और औरत में, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, महाविद्या इनके ऊपर है। यानी कि ये एक तरह का मिथ है इसको लेकर, क्योंकि माँ फर्क नहीं कर रही है किसी में, उसके लिए तमाम बच्चे अपने एक जैसे एक बराबर है। बीच में जिस तरह से जिक्र हमने किया कि माँ काली और माँ भैरवी, मतलब एक तरह से एक अंश, एक रूप कहीं ना कहीं वो रिलेट करता हुआ दिखता है, एक जैसा है, क्या माँ भैरवी माँ काली का ही एक रूप है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माँ भैरवी और माँ काली के इमोशन में डिफरेंस नहीं पता। माँ काली ट्रांसफॉर्मेशन की देवी हैं और माँ भैरवी डिस्ट्रक्शन की देवी हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई चीज़ का खत्म होना और बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होके एक नया रूप आना। मेरी जीवन में बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर एक तरीके से ख़त्म किया और मैं स्पिरिचुअल साइड पर आई। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, कहना बहुत आसान है, करना और इसके थ्रू गो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन माँ भैरवी केवल डिस्ट्रक्शन करती हैं। इसका मतलब अगर आपने उनको साथ लिया और आपने उनको ये रिक्वेस्ट की कि मुझे ये चाहिए, मुझे अपने जीवन से ये निकालना है, तो वो आपकी डिस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगी। डिस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है, तो ऐसा कह सकते हैं कि माँ भैरवी एक तरीके से माँ काली को जैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं रिपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनका एक काम कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक काम कर रही है जिसका नाम है डिस्ट्रक्शन। अगर आपको कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय करनी है तो आप माँ भैरवी को वो करें। और इनका जो चक्रा होता है, इनका जो एलिमेंट होता है वो अर्थ होता है, तो वो अपने पैर को ऐसा कहते हैं, जब माँ भैरवी अपने पैर को धरती पर जोर से रखती हैं तो एकदम भूकंप आता है और एक कपकपी सी होती है अर्थ को, एक जिसको हम कहते हैं। आप इसी पिक्चर को अपने जीवन में सोचिए, अगर आपने उनको साधा और उन्होंने अपना पैर ऐसे रख दिया तो फिर जो रिक्वायर्ड नहीं है वो निकल जाएगा। इसके अलावा जो स्थापना की बात करें, आमतौर पर होता है कि आप जिसको पूजते हैं वो फिर कोई देव हो सकता है, देवी हो सकती है, माँ भैरवी की बात कर रहे हैं, क्या माँ भैरवी की स्थापना घर या कारोबार दोनों जगह की जा सकती है, या फिर इनमें से किसी एक जगह करनी चाहिए, या दोनों जगह से बचकर हमें रखना चाहिए कि नहीं कोई दूसरे विकल्प है, उनको साधने की तरफ जाएं हम? माँ भैरवी की स्थापना दोनों जगह की जा सकती है। आप सिर्फ उनकी पूजा कर रहे हैं, पूजा और अर्चना कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए आपके जीवन में माँ काली की एनर्जी फील होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपको अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा पाना है, आपके बहुत दुश्मन हैं, आप एक बहुत बड़ी चीज़ को करने जा रहे हैं, तभी आप 10 महाविद्या की तरफ जाएंगे। अगर आपका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, आपका गृहस्थ जीवन है और आप बहुत
खुशी खुशी हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ आप कृष्ण भक्ति की तरफ जाइए। तो माँ 10 महाविद्या को साधने का मतलब है कि आपका लाइफ का जो पर्पज़ है वो बहुत बड़ा है। कुछ ऐसा आपको करना है और आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको लोग धोखा दे रहे हैं, आपको एक एनर्जी की ज़रूरत है, तो आप घर में भी स्थापित कर सकते हैं और कारोबार में भी स्थापित कर सकते हैं। जिनकी फैक्ट्रीज हैं उनको माँ भैरवी को ज़रूर रखना चाहिए। जिनकी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, बहुत लोगों के साथ डीलिंग्स हैं, जिनके बहुत दुश्मन हैं, उनके लिए माँ भैरवी जो है बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। लेकिन एक बात याद रखिए, फिर हमें माँ भैरवी को सरेंडर करना होगा। फिर हम रो नहीं सकते, फिर हम छोटा बच्चा नहीं बन सकते। हमको भी ये समझना होगा कि जो वो कर रही हैं, जो कह रही हैं, जो दिखा रही हैं, वो समझाएंगी नहीं। ये समझाने की देवी नहीं है, ये बस एकदम गला काट देंगी और बस फिर खत्म, आप डील करिए उसके साथ। तो आपको पहले सरेंडर मोड में आना होगा, तभी आप माँ भैरवी की तरफ जाएं। और माँ भैरवी के साथ हमेशा जो है भैरव रहते हैं। और एक और बात कि माँ भैरवी को साधने से पहले, आप इनकी स्थापना करें इससे पहले, आपको कम से कम 11,000 गणेश मंत्र करने हैं और 11,000 शिव जी के मंत्र करने हैं। इन दोनों को साध कर, इनकी रिक्वेस्ट करके, इनकी पूजा करके ही आप किसी 10 महाविद्या, स्पेशली माँ चिन्नमस्तिका, माँ भैरवी, माँ काली, माँ तारा और माँ धूमावती, इनको करके ही आप इन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को जो है ला सकते हैं। लेकिन अभी मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, जहाँ अभी हम हैं, एक दौर होता था, सेटिस्फेक्शन था लाइफ में, बहुत ज़्यादा लालच नहीं था, बहुत कुछ पाने की चाह नहीं थी। लेकिन आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में सब कुछ पाना चाहता है इंसान और इसमें कोई अछूता नहीं बचा है। तो यानी कि आप ये समझिए कि हर शरीर के भीतर वो असुर है, वो बुराई है। उस असुर और बुराई के साथ वो कैसे माँ भैरवी को साध सकता है? सबसे पहले उसे वो खत्म करना होगा। अगर वो लेकिन इसके साथ अगर साधता है, क्या चीजें उलट हो सकती हैं? नहीं, उलट नहीं हो सकती। आपके अंदर अगर असुर है तो आपके अंदर माँ भैरवी भी है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक साइकिल चल रही है। असुर आपको एक तरीके से लेके जा रहा है, माँ भैरवी उसको एक तरीके से किल कर रही है। अगर आपको उनको साधना है तो आपको अपने माइंड से साधना होगा, अपने बिहेवियर से, अपनी इच्छाओं को देखना होगा कि क्या मेरी इच्छा ठीक डायरेक्शन में है कि नहीं। क्योंकि माँ भैरवी या कोई भी 10 महाविद्या आपको एक ही डायरेक्शन में लेके जाएगी, और वो डायरेक्शन सिर्फ सक्सेस की नहीं होगी, अच्छे कर्म की भी होगी। तो मैं कहूँगी कि अगर आपको किसी भी महाविद्या को साधना है, आप अपने कर्म को नोटिस कीजिए। और कर्म केवल करने वाला नहीं होता, सोचने वाला भी होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेरे सामने बैठा है, मैं इसका कैसे फ़ायदा उठाऊँ, तो आप माँ भैरवी की जितनी मर्जी पूजा कर लीजिए, आप उसको साध नहीं पाएंगे। बहुत लोग अपने वाइफ्स की इज्जत नहीं करते, बहुत लोग अपनी बेटियों को मारते हैं, लेडीज़ की इज्जत नहीं करते, और फिर जाके माँ कामाख्या में अपना सर पटकते रहते हैं और कहते हैं मैं देवी का साधक हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप एक बेसिक लेवल पे जो देवी का लाइव रूप है, विच इज़ अ वुमन, उसको तो आप उसी को तो शोषण कर रहे हैं, आप उसी का बुरा चाह रहे हैं। अगर आपको माँ भैरवी या किसी भी 10 महाविद्या का बहुत ज़्यादा इफेक्ट चाहिए, तो आप लेडीज़ को सपोर्ट करिए। आप ऐसे देखिए जिनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आप उनके साथ काम करिए। आप माँ भैरवी को उसके बाद केवल एक मंत्र से भी साध सकते हैं। ये माना जाता है और ये कहा भी जाता है कि माँ काली से इसलिए बार बार हम रिलेट कर रहे हैं क्योंकि उनके रूप और उनके बारे में बहुत सारी बातें हमेशा होती रहती है, लेकिन माँ भैरवी के बारे में बहुत कम बातचीत होती है। और आज जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, उन्हें एक क्लैरिटी भी यहाँ पर आ रही है कि माँ भैरवी कौन है, उनका रूप स्वरूप किस तरह से है। लेकिन जो समय माँ काली के लिए कहा जाता है कि अगर आप उनको पूज रहे हैं तो फिर वो आप रेगुलर रहें, आप उसमें फिर आप छोड़ नहीं सकते हैं चीज़ों को बीच में, तो क्या माँ भैरवी को लेकर भी इसी तरह की बातें हैं कि आप अगर एक बार माँ भैरवी को पूजने लगे हैं, आपको उनका पूजन, उनकी साधना रेगुलर रखनी होगी? साथ ही साथ क्या दिन का समय होना चाहिए उनकी साधना के लिए? क्योंकि बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम ग्रह नक्षत्र के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, तो क्या इसका भी प्रभाव पूजा और साधना पर पड़ता है? जी, सब 10 महाविद्या की जो पूजा होती है वो रात के 9 बजे के बाद ही होती है। तो आप अगर कर रहे हैं तो करें, साधना बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप उनका मंत्र
कर रहे हैं तो आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आप मंत्र का एक संकल्प ले सकते हैं कि मैं 40 डेज तक माँ भैरवी का करूँगा। तो आपने शुरू में ही बता दिया कि मैं 40 डेज करूँगा, तो आप 40 डेज जो है 9 बजे के बाद करें और जो उनके मंत्र जितने भी आपने मंत्रोच्चारण सोचे हैं वो करें। ये तब होगा जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं, अगर हमें कोई बहुत अचानक से हेल्प की ज़रूरत है, हम बॉडी को वेट नहीं कर सकते कि खांसी और बुखार खुद ठीक हो, या स्टेरॉइड लेते हैं, तो 10 महाविद्या एक इस टाइप की एनर्जी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 40 दिन का कर सकते हैं और फिर 40 दिन खत्म होने के बाद रोज़ सुबह एक नॉर्मल उनकी एक माला सिंपल सी जो है वो कर सकते हैं। माँ भैरवी के 2 फॉर्म हैं, थोड़ा सा उसको भी एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए व्यूअर्स के लिए, और किस फॉर्म की पूजा साधना करनी चाहिए। जी, माँ भैरवी के 2 फॉर्म्स हैं। एक बहुत फियर्स फॉर्म है जो बिल्कुल माँ काली की तरह दिखता है, जिनके जिसमें उनके केश खुले हुए हैं, बहुत पावरफुल हैं और थोड़ा डराने वाला फॉर्म भी है। ये फॉर्म डिस्ट्रक्शन का फॉर्म है। और दूसरा फॉर्म है जिसमें वो कमल के फूल के ऊपर बैठी हुई हैं, उनके हाथ में एक किताब है और अभय मुद्रा में, दान मुद्रा में, यू नो वर मुद्रा में हैं वो। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सच में माँ भैरवी की असली एनर्जी को लाना है तो आप उनकी फियर्स फॉर्म में ही पूजा करें जो रात को आप करेंगे। और अगर आपको उनका सौम्य फॉर्म चाहिए, मदर फॉर्म चाहिए, तो आप उनकी कमल वाले पे भी कर सकते हैं। यानी कि ये स्पष्ट है कि जो माँ का एक रूप होता है अपने बच्चों के लिए, कि जब उसके ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो तब वो जो रूप होता है उसका, वो माँ भैरवी का वो असल रूप है। और माँ किसी भी रूप में हो, अपने बच्चे अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छा सोचती है और उसकी यही एक कोशिश रहती है कि मेरे बच्चे जो है उनके लाइफ में कुछ भी जो बुरा उनके साथ है, इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझे कि हमारे पेरेंट्स, खासतौर से माँ, कई बार आपके साथ ऐसे यार दोस्त होते हैं, आपको लगता है कि वो आपके बचपन के बहुत अजीज दोस्त हैं, लेकिन आप उनकी बुराइयाँ नहीं देख पा रहे होते जो आपकी माँ देख पा रही होती है, और वो चाहती है कि आप इनसे दूर हो जाएं। बहुत सारी ऐसी लत होती है आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि नहीं, ये जो सब आप कर रहे हैं ये सब ठीक है, लेकिन उसके प्रभाव बहुत बुरे होते हैं, जिससे कि माँ आपको दूर रखना चाहती है। और माँ भैरवी भी यही आपके जीवन में करती है। बस माँ भैरवी को आपको बहुत अच्छे से समझना है, उनकी साधना को समझना है, और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने और किस तरह के बदलाव हो। एक आखिरी सवाल आज के इस पॉडकास्ट का, माँ भैरवी जो 10 की 10 महाविद्या है, उसमें से एक माँ भैरवी का जो रूप स्वरूप है, वो डॉक्टर मनमीत कुमार को किस तरह से और क्यों प्रभावित करता है? मेरी लाइफ का थीम ट्रांसफॉर्मेशन है और डिस्ट्रक्शन इसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो मेरी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आता ही रहता है, केओस आता ही रहता है, तो मैं माँ भैरवी को बहुत मानती हूँ और मैं उनको समय समय पर उनकी साधना ज़रूर करती हूँ। इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है ये बता के कि सब कुछ चेंज रिलेटेड है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। चेंज इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। डिस्ट्रक्शन होगी तो न्यू बिगिनिंग होगी, डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तो न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत हार्ड तरीके से सीखा है। तो मैं माँ भैरवी को बहुत बहुत क्लोजली उनके साथ रिलेट करती हूँ और वो मेरी हर रोज़ की पूजा का एक हिस्सा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनमीत कुमार, तमाम जो सवाल है और माँ भैरवी से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को बहुत क्लैरिटी से आपने बताया, और ये तमाम व्यूवर्स के लिए जानना भी बेहद ज़रूरी है। जिस तरह के वर्ल्ड, जिस तरह के माहौल में अभी हम, थोड़ा सा समय अगर हम साधना को दें, लेकिन उसको समझते हुए हम दें, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा साधक होने के चलते जो है गलत भी कुछ कर बैठे, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। अगले पॉडकास्ट में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी और तब 10 महाविद्याओं में से एक माँ कमलात्मिका के बारे में बात करेंगे, और हमारे साथ तब भी होंगी डॉक्टर मनमीत कुमार, उनके बारे में भी जानेंगे कि इस माँ के रूप का जो है हमारे जीवन पर कितना और कैसा प्रभाव है। नमस्कार। नमस्कार।